फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये बेबी शॉर्ट्स बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने कपड़े के दो पीसेज लिए हैं। इनकी लंबाई है 13.5 इंच, 13.5 इंच, चौड़ाई है 20 इंच। ये दो पीसेज हैं और इन्हें एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। इधर से ओपन साइड है, इधर से बंद साइड है। ऊपर से निशान लगाएंगे 1-3 इंच पर, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इधर हम लास्टिक डालेंगे 1 इंच चौड़ी। अब इधर से निशान लगाना है हिप साइज डिवाइड 4+2, तो हम यहाँ से 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इधर से भी हम 8 इंच ही लेंगे आसन के लिए, और इस लाइन को कर देंगे हम सीधा। इधर से 2 इंच लूजिंग के लिए लेंगे, तो हमने यहाँ से लिया 10 इंच, इधर गोलाई दे देंगे। अब इधर लेना है हमें जितना हमने ऊपर से लिया है 8 इंच, तो इतना ही हमें 8 इंच इधर से लेना है, और इस निशान को इधर तक मिला देंगे। अब ये ऊपर से लाइन को भी सीधा कर देते हैं, और ये हमारे शॉर्ट्स के निशान लगकर तैयार है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके आसन के दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है, और मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ इस तरह से। अब जो नीचे वाली साइड है उधर थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है दोनों बाजुओं पर, इधर भी और इधर भी। उसके बाद हमें इस आसन को इधर से सील देना है। इस तरह से हमने दोनों बाजुओं पर एक सिलाई लगा दी है फोल्ड करने के बाद, और आसन को भी सील दिया है। अब ऊपर हमें लास्टिक डालने के लिए जहाँ तक हमने 3 इंच पर एक निशान लगाया उधर तक कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह से, और एक सिलाई पूरे पर लगा देनी है हमें। हमने पूरे पर सिलाई लगा दी है इधर से, और इधर थोड़ा सा खुला छोड़ा है 1 इंच के बराबर जिधर हम लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक ये हमने 1 इंच चौड़ी ली है और 19 इंच इसकी लंबाई है। अब इधर से 1 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने 1 इंच चौड़ी लास्टिक ली है, तो पूरे निशान को हम सीधा कर देंगे जितने में हमारी ये लास्टिक आ सकती है, और ऊपर वाले जो हमारा कपड़ा बचेगा उसमें हमारी इस तरह से प्लेट्स बन जाएंगे। तो 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे दोनों साइड में, और इधर एक सिलाई लगा लेंगे।
ये एक लंबी पट्टी ली है हमने बेल्ट के लिए, इसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है इसकी 44 इंच। इसे इस तरह से फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है इसकी पूरे पर। और जो इसके साइडों में कोने हैं उधर हमें कॉलर के जैसा निशान लगाना है, जैसे हम सूट का कॉलर बनाते हैं उस तरह से। पहले नीचे से इस तरह से आधा इंच पर सिलाई लगानी है और ऊपर से कोना बना देना है दोनों साइड पर। इसकी लंबाई हमने 44 इंच ली है, चाहें तो इसे और भी लंबा ले सकते हैं। और सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे किसी पेन से, पिन की मदद से, और ये हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगी। ये हमने लूप्स बनाने के लिए एक पतली पट्टी और सी ली है। हम शॉर्ट्स में 3 लूप्स लगाएंगे, 2 साइड में और 1 बीच में, अगले वाले पार्ट में नहीं लगाना है। तो पहले इसे नाप कर कट कर लेते हैं और इसे शॉर्ट्स में सील लेते हैं। तो हम 3 पीसेज कट कर लेंगे इसके। कितना प्यारा बेबी शॉर्ट्स बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।